नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत स्वागत है आपके अपने डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव के चैनल पे। जैसे कि आप देख रहे हो, आज मैं आप कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा हुआ था कि सर ये बेटनोवेट जीएम, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, बेटनोवेट जीएम अब नहीं रही, यानी कि वो बंद हो गई है, या क्या साल्ट है, या क्यों उसको कंपनी नहीं निकाल रही है, क्या मामला है, क्या रीज़न है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली बेटनोवेट जीएम के साथ हुआ क्या है कि उसको कुछ लोग, जो कि हमारे कुछ यंगस्टर्स हैं, मेल फीमेल, उसको गलत यूज़ करने लगे थे, जो जिस पर्पज़ में वो क्रीम नहीं थी। जैसे कि वो फॉर एंटीफंगल, एंटीफंगस, एंटीबैक्टीरियल के लिए क्रीम है। बेटनोवेट जीएम दांत, खाद, खुजली, एलर्जी, इन्फेक्शन में आप यूज़ कर सकते हो, पर उसको कुछ लोग ना गोरे होने के लिए यूज़ करने लगे थे। जैसे कि मैंने अभी पिछली कुछ दिनों पहले क्लॉबजी की वीडियो डाली थी, वो वीडियो क्लॉबजी क्रीम किस लिए है, दाने के लिए है, एंटी फंगल, एलर्जी और बैक्टीरिया के लिए है, पर उसको कुछ लोग गोरे होने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बीच में क्लॉबजी भी मार्केट से हट गई थी, यानी कि साल्ट हो गई थी और उसको बंद कर दिया था कंपनी ने। इसी प्रकार बेटनोवेट जीएम का भी लोग, कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब देखो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि कंपनी रिस्क में आ जाती है। अब या तो उस प्रोडक्ट को कंपनी को तुरंत अपने जब्त में करना रहता है, यानी कि उसको बंद करना रहता है, उसको साल्ट करना रहता है, मार्केट से हटाना रहता है, और वरना अगर गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले लेगी तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी कंपनी के ऊपर। तो साथ में वो प्रोडक्ट तो गवाएगी गवाएगी, उसके साथ साथ कंपनी पे काफ़ी काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी केसेस हो सकते हैं और कई चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, आप तो उसको यूज़ कर रहे हो, अब सबको तो वो सूट नहीं करेगी। कुछ लोग उसको जैसे कि गोरा होने के लिए यूज़ कर रहे थे, बेटनोवेट जीएम को मैं बताना चाहूँगा, जो कि वो गोरे होने के लिए नहीं है, वो आपके एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल के लिए आपको क्रीम होती है कि आप उसको दांत, खाद, खुजली में यूज़ करो, दाने के लिए यूज़ करो, पर लोग गोरे होने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जबकि उसमें कुछ ऐसा साल्ट ही नहीं कि गोरे हो, पर हाँ कुछ लोग गोरे हो रहे थे उससे, और कुछ लोग को वो इतना रिएक्शन, यानी कि साइड इफेक्ट कर रही थी, कि जिसके वजह से कंपनी ने देखा और उसके पास शिकायत पहुंची और उसने तुरंत उसको बेटनोवेट जीएम को मार्केट से हटा दिया और उसने अपने कवर में कर लिया, सारी क्रीम्स को हटवा दी और अपने कवर में करने के बाद में साल्ट करा दिया। अब बेटनोवेट जीएम मिल नहीं रही है, जिसको बेसिकली उसकी नीड है, जिसको बेटनोवेट जीएम बहुत फ़ायदा कर रही थी दांत, खाद, खुजली, यानी कि एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल में, तो उनको भैया मिल नहीं रही है मार्केट में। अब वो परेशान है, तो यार करें क्या, कि उनको बेटनोवेट जीएम ही फ़ायदा करती थी उनके ये एलर्जी टाइप के, इन्फेक्शन टाइप के डिजीज में, दांत, खाद, खुजली में, अब उनको भी नहीं मिल रही है उन लोगों की वजह से जो गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब गलत इस्तेमाल करने वालों को कैसे रोका जा सकता है भाई, उनको तो ऐसे रोका नहीं जा सकता है। तो उस वजह से या तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है या पहले कंपनी एक्शन लेती है। अगर कंपनी एक्शन ले लेती है तो गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेना पड़ता है, और अगर गवर्नमेंट ले रही तो फिर कंपनी खतरे में आ जाती है। तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि मैं खतरे में हूँ या मेरा कोई भी प्रोडक्ट खतरे में आए। तो कंपनी ने एक्शन लिया और बेटनोवेट जीएम मार्केट से साल्ट करा दिया। अब जिसको उसकी नीड है उसको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो कई सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि सर आप एक ऐसी वीडियो बनाइए या मुझे कुछ ऐसी क्रीम बताइए जो बेटनोवेट जीएम की जगह पे, बेटनोवेट जीएम पिछले 2-3 महीने से साल्ट है, मार्केट में नहीं है, जो कुछ लोग पुरानी रखे हुए हैं तो वो लोग सेल आउट कर रहे थे, और अभी कहीं भी नहीं, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी बेटनोवेट जीएम, क्योंकि उसका गलत लोग यूज़ करने लगे थे पिछले कुछ समय से, तो उस वजह से उसको पूरा हटा दिया गया है। तो अब उसके जगह पे जिनको सही यूज़ करना है, यानी कि उनको एलर्जी और इन्फेक्शन के पर्पज़ में यूज़ करना है, तो अब क्या यूज़ करें, बेटनोवेट जीएम तो है नहीं, और वही उनको फ़ायदा कर दी थी। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप एक वीडियो बनाइए जिसके आप उसमें बताइए कि बेटनोवेट जीएम की जगह हम क्या यूज़ करें, सेम ही उसका साल्ट रहे और कोई दिक्कत ना हो, और वो इतना ही फ़ायदा करे जितना मुझे बेटनोवेट जीएम फ़ायदा करता था। हाँ, बेटनोवेट जीएम आपके दांत, खाद, खुजली, एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल और इस टाइप की इन्फेक्शन, एलर्जी टाइप की डिजीज के लिए बहुत ही अच्छी है, आपके दाने हैं तो आप लगा सकते हो, पर चेहरे पे मत यूज़ करो, बाकी आप एक्सटर्नल जहाँ यूज़ करना चाहते हो यूज़ करो। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपको एक क्रीम दिखा दूँ, उससे पहले मैं बता दूँ कि उसको जो आपकी बेटनोवेट जी है वो जीएसके बनाती है, यानी कि ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन, बहुत ही पुरानी, बहुत ही ब्रांडेड कंपनी, वो बनाती थी। उसमें साल्ट आपका बेथामेथासोन होता था, जेंटामाइसिन होता था, साथ में माइक्रोनाजोल नाइट्रेट होता था, ये 3 साल्ट उसमें पाए जाते थे, जो बहुत अच्छा फ़ायदा करते थे आपके एंटी फंगस और एंटी माइक्रोबैक्टीरियल में। अब उसके जगह पे कौन सा साल्ट यूज़ करना चाहिए, कौन सी दवाई यूज़ करनी चाहिए, कौन सी क्रीम यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको जैसे कि आप बताने जा रहा हूँ, देख लो, बीटा मिल जीएम, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, बीटा मिल जीएम, सेम साल्ट है जो आपको मिल रहा था बेटनोवेट जीएम क्रीम में, वो आपको बीटा मिल जीएम में सेम साल्ट मिल रहा है। उसमें आपका बेथामेथासोन था, तो इसमें भी आपका बेथामेथासोन डाइप्रोपियोनेट है विद जेंटामाइसिन, आपको बेटनोवेट जीएम में मिल रहा है, जेंटामाइसिन जी फॉर जेंटामाइसिन, और आपका माइकोनाजोल नाइट्रेट। अब देखो, बेटामिल फॉर बेटामेथासोन बी, जी फॉर जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक फॉर एंटीबैक्टीरिया, और जो माइकोनाजोल होता है वो
स्पेशली होता है कि एंटी फंगल और एंटी फंगस के लिए यूज़ करने के लिए। तो आप दांत खाज खुजली में माइकोनाजोल को यूज़ करते हो, ये कई पाउडर्स में मिला होता है, कई आपके क्रीम में ही मिला होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर एंटी फंगल, एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल यूजेस। दांत खाज खुजली दाने कहीं भी आपके हों, आप इसको यूज़ करो, एक्सटर्नल बॉडी में आप यूज़ करो। तो आप जो भी बेटनोवेट जीएम जिनको नहीं मिल रही है, जिनको काफ़ी फ़ायदा कर रही थी, तो आप उसकी जगह पे बीटा मिलजेम आपको इजली मिल जाएगी, आप इसको ले सकते हो। सेम ही साल्ट है, सेम ही इसका फ़ायदा है, और कोई इसका नुकसान नहीं। जैसे आपको बेटनोवेट जीएम कोई नुकसान नहीं करती थी, वैसे ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। मर्क की कंपनी काफ़ी पुरानी, काफ़ी ब्रांडेड, जैसे जीएसके ब्रांडेड है वैसे ये मर्क की कंपनी बहुत ब्रांडेड है, तो वो बनाती है, कोई इसका नुकसान नहीं है दोस्तों, बहुत ही फ़ायदा करती है क्रीम। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग बेटनोवेट जीएम को गोरा होने के लिए यूज़ कर रहे थे, वो इसको एज अ गोरा होने के लिए मत यूज करें, क्योंकि आप जीएसके को तो खतरे में डाल ही दिए, तो प्लीज़ मर्क को खतरे में मत डालना। तो बाकी इसमें जो बेटामेथासोन डाइप्रोपियरेट मिला हुआ है, तो आप चेहरे पर लगाओगे तुरंत आपको रिएक्शन यानी कि साइड इफेक्ट कर जाएगा, तो स्किन यानी कि फेस पे लगाने के लिए ये नहीं है। बाकी आप एक्सटर्नल जहाँ यूज़ करना चाहते हो, थाई में हो गए आपके, या कहीं भी एक्सटर्नल लेग हैंड कहीं भी है आपके, फिंगर्स में है या इस रीजन में आपके हो गए, तो आप वहाँ के दांत खाज खुजली एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल के लिए आप यूज़ कर सकते हो दाने के लिए। इजली कोई दिक्कत नहीं है, इचिंग नहीं होगी, दाने दांत खाज खुजली नहीं होएगा आपका। पर फेस पे मत यूज़ करना, जैसे कि आप बेटनोवेट जीएम को गोरे होने के लिए कुछ लोग यूज़ कर रहे थे, तो उसको आपने बंद करा दिया, तो प्लीज़ इसको उस तरह मत यूज़ करना, मर्क को खतरे में मत डालना, मैं अगेन कह रहा हूँ। तो जिसका भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, जो लोग आपने कहा वाला, सर मुझे सजेशन दीजिए, मुझे वीडियो बना के दीजिए कि मुझे बेटनोवेट जीएम की जगह मैं क्या यूज़ करूँ, जिससे कि जो मेरी दांत खाज खुजली वाली प्रॉब्लम थी वो उसी तरह, मुझे कोई ऐसी क्रीम बताइए कि मुझे फ़ायदा करे, तो ये बीटा मिल जीएम बेस्ट क्रीम है, आप इसको यूज़ करो। यूज़ करने का मैं तरीका बता दूँ कि आप इसको दिन में 2-3 बार यूज़ करोगे, यानी कि सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज़ करो, जब भी आप फ्री रहते हो, जैसे आप बेटनोवेट जीएम को यूज़ करते थे वैसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको क्रीम खोल के दिखा देता हूँ कि कैसी क्रीम दिखने में है, बहुत ही अच्छी इसकी पैकिंग है, और ये सील अंदर से होती है, तो आप ये सील देख के ही लेना जब भी लेना। 25 ग्राम की ये पैक होती है, काफ़ी अच्छी क्रीम है, जितना ही इसका ग्राम है उतना ही इसका प्राइस है। मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही सस्ती है ये, मग कंपनी काफ़ी अच्छी है बनाती है इसको क्रीम, और ये 25 ग्राम की क्रीम, देखो यहाँ लिखा हुआ है 25 ग्राम की क्रीम है, और जिसका प्राइस है वो भी 24.75, यानी कि 24.75 रुपये ये आपको नियर बाई किसी भी मेडिकल शॉप, इजी आपके जो भी होगा वहाँ आपको मिल जाएगी। नहीं मिलता है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स नेटॉक्सी लाइफ से आप कॉन्टेक्ट करके भी मंगा सकते हो, जितनी पीसेस आपको मंगानी हो। तो ये 25 ग्राम की क्रीम आपकी मात्र 24.75 रुपये, यानी कि 25 रुपये की नियर बाई हर जगह मिल जानी चाहिए। मर्क कंपनी की है तो बहुत ही अच्छी है, कोई नुकसान साइड इफेक्ट नहीं है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस और एलर्जी इन्फेक्शन टाइप की डिजीज के लिए इजीली यूज़ कर सकते हो। जो भी बेटनोवेट जीएम जिनको नहीं मिल रही है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। मैं अगेन अवेयर कर रहा हूँ कि गोरे होने के लिए मत इसको इस्तेमाल करना, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको, मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ खुलेआम। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। कोई भी आपका बीटामिल जीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है या बेटनोवेट जीएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप बेफिक्र मुझसे इस वीडियो में पूछ सकते हो, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, किसी भी दवा से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप बेफिक्र इस वीडियो पे पूछो, मेरी किसी भी वीडियो पे आप प्रीवियस जाके सर्च करो पूछो। और जिसको बेटनोवेट जीएम नहीं मिल रही है, तो उसको इस वीडियो को क्या बीटामिल जीएम को शेयर करना है, इस वीडियो को मेरी पहुंचाओ उन तक, जिससे कि उनको हेल्प मिल सके कि उसके जगह पे मैं क्या यूज करूँ, जिससे कोई दिक्कत ना हो। चैनल पे नए हो तो प्लीज जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर देना, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जैसे कि हर शाम को मेरी 5 बजे वीडियो पड़ती है तो आप देख सको मेरे द्वारा मेडिकल हेल्थ रिलेटेड वीडियो अपने लिए दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डॉक्टर श्रीम श्रीवास्तव के चैनल पर। टिल देन गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग डॉक्टर श्रीम श्रीवास्तव, बी अवेयर, बी सेफ।